नमस्कार, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नीट 2021 एग्जाम काउंसलिंग से रिलेटेड मॉप अप राउंड सीट्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, टोटल सीट्स कितनी है, कितनी सीट्स इंक्रीज हुई हमें देखने को मिल सकती है दोस्तों, और कट ऑफ इससे कितना लो रहने वाला है दोस्तों, इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे। साथ में दोस्तों बात करेंगे नीट 2022 एग्जाम डेट के बारे में कि आपका एग्जाम 26 जुलाई को होने वाला है। साथ में दोस्तों बात करेंगे आपके BDS कट ऑफ क्या रह सकती है मॉप अप राउंड के लिए, फर्स्ट और सेकंड राउंड की कट ऑफ क्या रही है। तो दोस्तों इन सब बातों के ऊपर इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, हमेशा की तरह अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी की अभी सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे कि हम फ्रेंड्स जो भी नई वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप उस वीडियो को देख पाएँ। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं बताता हूं आपको नीट 2021 मॉप अप राउंड सीट्स के बारे में। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मॉप अप राउंड के अंदर जो आपकी बार सीट्स हैं वो करीबन 2500 प्लस रहने वाली है। अभी तक ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया गया है, लेकिन दोस्तों लगभग जो है अंदाज़ा ये लगा रहा जा रहा है कि 2500 प्लस जो है अप्रोक्स आपकी सीट मॉप अप राउंड में देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों इसको देखते हुए आपकी कट ऑफ क्या रह सकती है मॉप अप राउंड के अंदर। जनरल कैटेगरी में बात करूं दोस्तों तो आपकी 598 कट ऑफ रह सकती है। OBC कैटेगरी में बात करूं दोस्तों तो 592 आपकी कट ऑफ रह सकती है। EWS की मैं बात करूं दोस्तों तो 593, और SC कैटेगरी और ST कैटेगरी के लिए आपकी कट ऑफ जो है 486 और 470 के राउंड रह सकती है। साथ में दोस्तों स्ट्रीम वैकेंसी राउंड की भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने एक बार के लिए बना दी है। बाकी दोस्तों सीट मैट्रिक्स आने के बाद जो है कट ऑफ जो है बिल्कुल एग्जैक्ट भी हम बता पाएंगे। तो दोस्तों ये हमने कट ऑफ के बारे में बता दिया है, आपकी टोटल सीट्स कितनी है वो 2500 प्लस रहने वाली है, जो कि लगभग लगभग दोस्तों 1800 से की उम्मीद थी, लेकिन जो अपग्रेडेशन वाला रूल है और फ्री एग्जिट होने वाला रूल है और सिक्योरिटी डिपॉजिट का नुकसान तो जरूर जो है काफ़ी स्टूडेंट्स को देखने को मिलेगा, लेकिन दोस्तों मॉप अप राउंड में वो जो है दोबारा से 10,000 रुपये देकर के काउंसलिंग में हिस्सा ले पाएंगे। इसके बाद दोस्तों स्टेट काउंसलिंग की भी सेकंड राउंड की कट ऑफ जो है काफ़ी स्टेट्स ऐसे जैसे हरियाणा हो गया, यूपी हो गया, राजस्थान हो गया, यहाँ पर काफ़ी हाई रहती है, तो उसको देखते हुए भी मॉप अप राउंड में जो है काफ़ी स्टेट्स हिस्सा लेने वाले हैं। साथ में दोस्तों मैं बता देता हूँ BDS की कट ऑफ जो है ये फर्स्ट राउंड की कट ऑफ है दोस्तों, ये सेकंड राउंड की कट ऑफ है और ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है दोस्तों आपकी मॉप अप राउंड की जो रहने वाली है। 587 यूअर कैटेगरी की फर्स्ट राउंड की कट ऑफ रही, 576 सेकंड राउंड की रही और मॉप अप राउंड की 564 आपकी कट ऑफ जो है रह सकती है। OBC कैटेगरी की बात करूँ 583 फर्स्ट राउंड की, सेकंड राउंड की 571 और 558 आपकी मॉप अप राउंड की कट ऑफ रह सकती है। EWS की ऑफिशियल कट ऑफ जो है फर्स्ट और सेकंड राउंड की 582 और 568 रही है, 555 जो आपकी कट ऑफ रह सकती है मॉप अप राउंड में। SC कैटेगरी 474 रही फर्स्ट राउंड में, 450 रही सेकंड राउंड में और 438 जो है आपकी मॉप अप राउंड में रह सकती है दोस्तों। ST कैटेगरी की बात करूँ 443 फर्स्ट राउंड में कट ऑफ रही, 434 जो है सेकंड राउंड में रही और 425 जो है मॉप अप राउंड में आपकी कट ऑफ जा सकती है। तो फ्रेंड्स आगे भी जो है हम और एनालिसिस करेंगे, आपको जो है प्राइवेट कॉलेज भी बताएंगे कौन सी है जहाँ पर आप जो है कम नंबरों में एडमिशन ले सकते हो, पहले भी हमने वीडियोज बना रखे हैं BAMS BDS के बारे में भी अच्छे से आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आपका धन्यवाद, थैंक यू।